नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। आइए रुख कर लेते हैं उत्तराखंड की खास खबरों की ओर। तो आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड में भी बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। इसे लेकर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर है। जौलीग्रांट हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद नड्डा का उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक ने स्वागत किया है। लगातार हो रही बारिश के बावजूद एयरपोर्ट से हरिद्वार में एक होटल तक जाने के रास्ते में भनियावाला, छिद्दरवाला, नेपाली फार्म और रायवाला कई जगहों में दोनों तरफ पार्टी कार्यकर्ता जेपी नड्डा के स्वागत के लिए खड़े थे। चुनाव में कैसे फतेह हासिल करनी है, इसे लेकर जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया है। इसके अलावा नड्डा की पार्टी विधायकों, धामी मंत्रिमंडल के सदस्यों, प्रदेश बीजेपी के पदाधिकारियों और कई मोर्चों के प्रमुखों के साथ भी करीब आधा दर्जन बैठकें करेंगे। नड्डा सैनिकों के साथ भी बातचीत करेंगे और साधु संतों से भी मुलाकात करेंगे। ऋषिकेश के नेपाली फार्म पर भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं ने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जोरदार स्वागत किया। बता दें, ऋषिकेश में बारिश होने के बावजूद भी कार्यकर्ताओं में काफी जोश में दिखे। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष कुसुम कंडवाल व विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल की अगुवाई में हजारों कार्यकर्ता नेपाली फार्म पर खड़े होकर जेपी नड्डा जिंदाबाद के नारे लगाते हुए दिखे। नड्डा का स्वागत करने में भारी मात्रा में लोग पहुंचे। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल भी उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का धन्यवाद किया गया। 2022 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जिस तरह का जोश देखने को मिल रहा है, उससे लग रहा है कि पूरे उत्तराखंड में बीजेपी एक बार फिर अपना परचम लहराने जा रही है। वहीं प्रदेश उपाध्यक्ष कुसुम कंडवाल भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे को लेकर काफी उत्साहित नजर आए। सबसे पहले देवभूमि में उत्तराखंड में माननीय जेपी नड्डा साहब का बहुत स्वागत है और मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में खड़ा हूँ। हजारों कार्यकर्ता आज उनके स्वागत के लिए उमड़े हैं, पूरी जनता उमड़ी है, जनप्रतिनिधि उमड़े हैं। सबसे पहले उनका स्वागत है, अभिनंदन है और जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं में उत्साह है और हम ये उम्मीद कर रहे हैं जो मार्गदर्शन माननीय जेपी नड्डा साहब का हमें मिलेगा, निश्चित रूप से 2022 में उन सबके लिए बहुत बड़ा ऊर्जा का काम करेगा, मील का पत्थर वो साबित होगा। मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार से आज पूरे देश के अंदर माननीय मोदी जी और प्रदेश के अंदर धामी जी अच्छा काम कर रहे हैं और उसी प्रकार से जिस प्रकार से मेरे विधानसभा क्षेत्र में अच्छा काम हो रहा है, उसके लिए जनता में बहुत उत्साह है, कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। 2022 फतेह करेंगे, ये मेरी पूरी उम्मीद है। अपना बूथ का सत्यापन करना और बूथ की टीमें बनाना, पूरा सब काम भारतीय जनता पार्टी का हो गया है। आज अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा जी आप हम लोगों के बीच में आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश है, आप देख रहे हैं कि इतनी बारिश के बावजूद भी कार्यकर्ता घर से निकल के यहाँ आए हैं और अभी तो रास्ते में है, रास्ते में कई सारे फंसे हैं। उत्तराखंड विधानसभा का 23 अगस्त से मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। सत्र की शुरुआत विपक्ष के हंगामे के साथ होने जा रही है। वहीं सत्र की तैयारियों और सत्र को शांतिपूर्ण चलाने के लिए विधानमंडल दल और कार्य मंत्रणा समिति की बैठक भी ली जा चुकी है। मानसून सत्र में राज्य की पुष्कर सिंह धामी सरकार की पहली अग्नि परीक्षा भी होगी। वहीं विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी, देवस्थानम बोर्ड समेत कई मुद्दों को सदन में उठाने जा रहा है। कुल मिलाकर सदन की हंगामेदार शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या सदन में जनहित से जुड़े मुद्दों पर काम होगा या सिर्फ विपक्ष के हंगामे की भेंट लिए सत्र चढ़ जाएगा। हम चाहेंगे कि सत्र अच्छे से चले, जनता के जुड़े हुए मुद्दे आए और विकास की बातें हों, विपक्ष भी जो है उसमें हमको सहयोग करे, जो हमारी अपेक्षा है, हम सत्र चलाना चाहते हैं। सबसे पहले दलीय बैठक हुई और उसमें बहुत अच्छा ये लगा कि नेता सदन यानी हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और नेता प्रतिपक्ष के रूप में जो अभी हमारे यहाँ नवनियुक्त हुए हैं प्रीतम सिंह जी और
संसदीय कार्य मंत्री भी चूंकि नए रूप में वो थे तो वो भी आए। सबसे पहले मैंने उनका स्वागत किया और उसके बाद चर्चा हुई और चर्चा में मैंने उनसे अपेक्षा की है कि सदन जो 23 तारीख से चल रहा है वो निर्बाध रूप से चले। तो उत्तराखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र 23 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। सत्र की तैयारियों के संबंध में विधानसभा में विधानमंडल दल और कार्य मंत्रणा समिति की भी बैठक हुई है। इस बैठक में सत्र की तैयारियों और सत्र को शांतिपूर्ण चलाने पर मंथन किया गया। यह मॉनसून सत्र राज्य की पुष्कर सिंह धामी सरकार की पहली अग्नि परीक्षा भी होगी। सत्र में एक ओर जहां सरकार के सामने 4 साल की उपलब्धियों को रखना चुनौती होगी तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष के सवालों का भी सामना जो है वो सरकार को करना होगा। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि सरकार पूरी तरह से तैयार है। सरकार चाहती है कि सदन की कार्रवाई अच्छे तरीके से चले, जनहित से जुड़े मुद्दे उठाए जाएं, विधायकों के सभी सवालों के जवाब आए, सदन में राज्य के विकास पर बेहतर संवाद कायम। जम्मू कश्मीर के रजौरी में आतंकियों से मुठभेड़, पौड़ी गढ़वाल का एक लाल उसमें शहीद हो गया। ग्राम सभा सालाना का ये वीर सपूत सूबेदार राम सिंह 16 गढ़वाल राइफल में सूबेदार के पद पर तैनात थे। सूबेदार राम सिंह के शहादत होने के बाद पूरे इलाके गमजदा हो गया है। देश की रक्षा के लिए अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले पौड़ी गढ़वाल के लाल की शहादत को पूरे उत्तराखंड ने नमन किया है। सूबेदार राम सिंह भंडारी 30 साल की सेवा के बाद फरवरी 2022 में सेवानिवृत्त होने वाले थे। उनका परिवार मौजूदा वक्त में मेरठ में रहता है। शहीद भंडारी के परिवार में पत्नी, 2 बेटियां व 1 बेटा है। शुक्रवार सुबह शहीद के पार्थिव शरीर के मेरठ लाए जाने की जानकारी मिली है। वहीं उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सूबेदार राम सिंह की शहादत पर गहरा शोक जताया है और वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता आशुतोष नेगी ने भी दुख जाहिर किया है। पूर्व शिक्षा मंत्री नैथानी ने भी शोक जताया है। वहीं डॉक्टर रजनी रावत ब्लॉक प्रमुख पाबो और उन्होंने भी दुख जाहिर किया है उनके परिवारों के साथ। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर चमोली से है जहां बद्रीनाथ धाम की तीर्थयात्रा शुरू करने की मांग पर कांग्रेस बद्रीनाथ धाम के लिए कूच कर रही है। इस कूच में स्थानीय लोग भी शामिल हैं। पूर्व मंत्री राजेंद्र भंडारी के नेतृत्व में बद्रीनाथ कूच किया गया था। हालांकि वहीं प्रदर्शनकारियों ने पुलिस से पांडेश्वर में रोक दिया गया, उनको रोका गया है, जहां प्रदर्शनकारियों और पुलिसकर्मियों के बीच नोकझोंक भी हुई है। इस कूच को देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से पांडुकेश्वर में बद्रीनाथ हाईवे पर बैरिकेडिंग लगाई गई। इस दौरान करीब 200 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। वहीं बद्रीनाथ धाम में भी यात्रा संचालन को लेकर स्थानीय लोगों का धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम जो है वो चल रहा है। इससे पहले भी कई बार स्थानीय लोगों ने चार धाम यात्रा शुरू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए चार धाम यात्रा अभी शुरू नहीं की गई है। उत्तराखंड सरकार ने चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिले के लोगों के लिए यात्रा शुरू करने की अनुमति दी थी। पूरे उत्तराखंड के चार धाम के लोग यात्रा बंद होने से आज परेशान हैं। नेताओं की 1-1 लाख की रैली हो रही है, वहाँ कोरोना नहीं है। केवल चार धामों के कपाट खोलने में कोरोना हो रहा है। लोगों के हजारों घरों की रोजी रोटी आज इस चार धाम यात्रा से जुड़ी हुई है। लोग होटल वाले, ढाबे वाले, फूलमाला वाले, घोड़े वाले, खच्चर वाले, मजदूर आज सब बेघर हो गए हैं। लोगों की रोजी रोटी छिन गई है और भाजपा पूरे देश में चुनाव में तो जा रही है, रैलियां तो कर रही है, पर चार धाम के अंदर खोलने में कह रही है कि यहाँ कोरोना हो गया है, क्योंकि इन्होंने न्यायालय में ठीक से पैरवी नहीं की है। ये जानबूझ करके न्यायालय में ठीक से पैरवी नहीं कर रहे हैं, जिससे ये लेट हो रही है। नेगी चमोली समेत 5 लोगों ने तेल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया। ज्येष्ठ प्रमुख के मुताबिक लंबे समय से THDC HCC विद्युत परियोजना निर्माण से प्रभावित ग्रामीणों ने अपनी मांगों को लेकर कई बार वार्ता की और प्रशासन के सामने भी कंपनी की ओर से की जा रही वादा खिलाफी की शिकायत की थी।
लेकिन लगातार ग्रामीणों की अनदेखी की जा रही है। इसके चलते आक्रोशित ग्रामीण अब ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि शासन और कंपनी प्रबंधन की तरफ से ग्रामीणों के साथ संवेदनहीन व्यवहार किया जा रहा है। उनके साथ जो समझौते कंपनी निर्माण के समय हुए थे उन सबको दरकिनार किया जा रहा है। इसी कारण आज ग्रामीणों में से 5 लोगों ने आत्मदाह जैसे कदम उठाए। तोता घाटी के पास मलबा गिरने से बद्रीनाथ हाईवे एक बार फिर बाधित हो गया है। बारिश के कारण हाईवे पर चट्टान नीचे आ गई जिससे वाहनों की आवाजाही रुक गई। एनएच प्रशासन रास्ता साफ करने में जुट गया है। मार्ग बाधित होने पर ऋषिकेश से वाहन नरेंद्र नगर होकर श्रीनगर भेजे जा रहे हैं। शनिवार सुबह तक मार्ग पर वाहनों की आवाजाही शुरू होने की बात एनएच प्रशासन कर रहा है। हाईवे बाधित होने से प्रशासन ने भद्रकाली नरेंद्र नगर होकर यातायात डायवर्ट किया है। बारिश के चलते लगातार मलबा गिर रहा है जिससे मार्ग खुलने में समय लग सकता है। प्रशासन ने तोता घाटी में फंसे वाहनों को वापस लौटा दिया था। छोटे वाहन ब्रह्मपुरी क्यारकी नरेंद्र नगर होकर वापस भेजे जा रहे हैं जबकि भारी वाहन भद्रकाली नरेंद्र नगर होकर भेजे गए। एनएच के एनई बीएन द्विवेदी का कहना है कि यातायात बहाली के लिए मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। हल्द्वानी में आशा कार्यकर्ताओं का सरकार के खिलाफ धरना 18वें दिन भी जारी है। महिला अस्पताल में सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आशा कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर उनकी मांगों पर जल्द सरकार विचार नहीं करती तो वह सरकार के खिलाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। आशाओं की मांग है कि उनको राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और न्यूनतम वेतन 21,000 रुपये दिया जाए। इसके अलावा कोविड कार्य में लगी सभी आशा वर्करों को 10,000 रुपये मासिक कोरोना भत्ता भुगतान किया जाए। आशा कार्यकर्ता पिछले 18 दिनों से 13 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ धरने पर बैठी हुई हैं। वहीं महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने कहा है कि चुनाव से पहले कई तरह के धरना प्रदर्शन और आंदोलन होते रहते हैं। आशा कार्यकर्ता हमारी बहुत मजबूत कड़ी हैं और जल्द ही स्वास्थ्य विभाग उनके लिए कोई कदम उठाए। मांगे ये हैं कि सरकार हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दे, 21,000 रुपये न्यूनतम वेतन दे, जितनी हमारी बहनों ने कोरोना काल में ड्यूटी करी है उन्हें 10,000 रुपये मासिक भत्ता अलग से दे और 50 लाख का बीमा करे। प्रदर्शन को कितना समय हो गया है? कितने दिन हो गए? आज हमारे प्रदर्शन को 18वां दिन है। आने वाले दिन में क्या प्लान? आने वाले दिन में ऐसी होगा, अगर जो हमारी मांगे सरकार नहीं मानेगी तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल में तो है ही, फिर हम उग्र आंदोलन में शुरू हो जाएंगे, भूख हड़ताल करेंगे। आशा बहनें हमारे स्वास्थ्य विभाग की बहुत मजबूत जो है वो कड़ी है और आशा की बहनों के लिए मैं समझती हूँ स्वास्थ्य विभाग उचित फैसला लेगा, ऐसा मैं आपको विश्वास। वहीं केदारनाथ में तीर्थ पुरोहितों का देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर चल रहा धरना प्रदर्शन अब क्रमिक अनशन में तब्दील हो गया है। आक्रोशित तीर्थ पुरोहितों ने राष्ट्रपति और प्रदेश के मुख्यमंत्री को खून से लिखा पत्र भेजा है। पत्र में उन्होंने कहा है कि शीघ्र देवस्थानम बोर्ड को भंग किया जाए, साथ ही केदारनाथ में पौराणिक काल से चली आ रही परंपराओं के साथ छेड़छाड़ बंद की जाए। हर रोज की तरह नारेबाजी करते हुए तीर्थ पुरोहितों क्रमिक अनशन उन्होंने शुरू कर दिया। तीर्थ पुरोहित साकेत बगवाड़ी ने राष्ट्रपति और नितिन बगवाड़ी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को खून से लिखा पत्र भेजा है। केदार सभा के अध्यक्ष विनोद शुक्ल की मौजूदगी में खून से लिखा पत्र राष्ट्रपति और सीएम को भेजा गया। पत्र में तीर्थ पुरोहितों ने लिखा कि पौराणिक काल से केदारनाथ में तीर्थ पुरोहितों के हक से जुड़े कई अधिकार हैं। मैं सुमेश चंद्र सेमवाल रावल मुख्य पुजारी आज श्री गंगोत्री धाम से आपको उत्तराखंड सरकार को यह अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारा जो आंदोलन निरंतर 2-3 माह से जब से पट खुले हैं तब से निरंतर चल रहा है आज दिन तक, और जो इन्होंने हाई पावर्स कमेटी बनाई है उसकी रिपोर्ट तुरंत लेकर सरकार इस पर संज्ञान ले और तुरंत इस काले कानून को, इस तालिबानी कानून को निरस्त करे और खत्म करे, बिल्कुल जीरो। केवल ये कुठाराघात सनातन धर्म पे ही नहीं होना चाहिए, यदि होता है तो सभी धर्मों पे हो।
हरिद्वार में आयोजित बीजेपी के दो दिवसीय कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने सत्र का शुभारंभ किया। पत्रकार वार्ता के दौरान राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि जल्द हरिद्वार में कैंसर हॉस्पिटल खोला जाएगा, जिससे हरिद्वार में मरीजों को मुंबई जैसे शहरों में नहीं भागना पड़ेगा। हल्द्वानी में भी जल्द ही कैंसर का इलाज होना शुरू हो जाएगा। कैंसर अस्पताल के लिए राज्य सरकार, एटॉमिक एनर्जी विभाग और टाटा इंस्टीट्यूट के बीच जल्द ही अनुबंध होने वाला है। उन्होंने कहा कि कीमोथेरेपी और इलाज की सुविधाएं जल्द ही शुरू होंगी। भाजपा सरकार उत्तराखंड में रिपीट होगी और अरविंद केजरीवाल और हरीश रावत की कितनी भी झांसे में उत्तराखंड की जनता उनके झांसे में नहीं आने वाली है। वहीं आपको अगली खबर बता दें जो कि काशीपुर से है। तो काशीपुर में प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की अनुमति के बिना चल रही बर्फ फैक्ट्री को नायब तहसीलदार और राजस्व टीम ने सील कर दिया है। नवंबर 2020 में प्रदूषण मानकों की अनदेखी और अमोनिया गैस के रिसाव के खतरे को देखते हुए ये कार्रवाई की गई है। प्रशासन के मुताबिक काफी समय पहले इस फैक्ट्री को बंद करने व इसे सुरक्षित जगह पर स्थानांतरित करने के आदेश दिए गए थे, लेकिन प्रशासन के आदेशों की अनदेखी की गई, जिसे लेकर प्रशासन को यह कार्रवाई करनी पड़ी। आपको बता दें कि इस फैक्ट्री का संचालन रईस अहमद पुत्र खलील अहमद कर रहे थे। फैक्ट्री में अनियमितता और अनियमों के उल्लंघन संबंधी शिकायत 2013 में दर्ज की गई थी। मामले में 2013 में रिसाव को लेकर प्रभारी निरीक्षक से जांच कराई गई, जिसमें फैक्ट्री अवैध पाई गई। कि उसको अन्यत्र वो करें, स्थानांतरित करें करके, और ये आदेश भी आज का नहीं, कई वो एक मिनट बता देता हूँ आपको, आदेश भी ये 26/11/2020 का है। तब से ना ही हटाई गई ना बंद करी गई, इसलिए उसको आदेश था कि तुरंत इसको बंद करे जाए करके, तो इसलिए हम लोग आए यहाँ। तो आदेश इतने दिन तक थे, तो आप लोग क्या कर रहे थे इतने दिन तक? मैं हमें आज ही वो हुआ है कि आज ही करना है करके। ये आदेश आपको एसडीएम कार्यालय से कब प्राप्त? आज मिला है। आज हुआ है? हाँ। इतने दिन से फिर ये आदेश किसने दबा के रखे हुए? पता नहीं है? इसका पता कोई ज्ञान। ये आप बता रहे हैं काफी पुराने आदेश हैं, आपके कार्यालय को कब प्राप्त हुए, उसकी तिथि कोई जानकारी दे पाएंगे आप? ये तो मैं नहीं दे पाऊंगा, मुझे तो आए हुए भी एक हफ्ता हुआ है यहाँ। अच्छा अच्छा, तो ये आदेश इसका मतलब इतने दिनों तक अगर रोक के रखा तो कहीं ना कहीं विभागीय अधिकारी की भी मिली भगत होगी इतने टाइम तक अगर ये फैक्ट्री चल रही है। मालिक को तो दिखा दिया ही होगा आदेश, कॉपी तो होगी मालिक के पास भी, लेकिन उन्होंने अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं की इसमें। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीते दिनों लालकुआ में हुई भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद रैली को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरेंद्र बोरा ने फ्लॉप करा दिया। उन्होंने इसे बीजेपी का नाटक बताया है और कहा है कि बीजेपी रैली के माध्यम से लोगों को असल मुद्दों से ध्यान भटकाने का उनका काम कर रही है। एक कार्यक्रम में पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरेंद्र बोरा ने कहा है कि बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली में कोई जनाधार नहीं था। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि रैली में बीजेपी दो गुटों में बंटती नजर आई। उन्होंने कहा कि रैली में क्षेत्रीय विधायक और पूर्व दर्जा मंत्री के बीच हुई धक्का मुक्की ने साबित कर दिया है कि भाजपा के पास कोई चेहरा नहीं है। भाजपा ही आपस में लड़ रहे हैं, उनका ध्यान जनता की ओर बिल्कुल नहीं है। से कल भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद रैली जो कल निकाली गई है, मेरा ये कहना है कि वो रैली बिल्कुल फ्लॉप रैली है। एक तो लोग उसमें बहुत कम आए थे, फिर दूसरा उसमें पूरी भारतीय जनता पार्टी लालकुआ विधानसभा की जो है गुटों में बंटते हुए नजर आई। एक वीडियो भी वायरल हुआ है, आप लोगों ने सभी ने देखा होगा कि किस प्रकार से पूर्व दर्जा राज्य मंत्री और वर्तमान में जो मौजूदा विधायक हैं उनके बीच जो है धक्का मुक्की हुई। तो इससे आप खुद ही स्वतः ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर इस किस्म का कार्य अभी से इन लोगों को हो रहा है, पता ही नहीं लग रहा भी कौन कैंडिडेट है। एक तरफ जो मौजूदा विधायक है उनकी दावेदारी मजबूत है, दूसरी तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी में बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो इसमें अपनी दावेदारी को बहुत मजबूत और पक्का बता रहे हैं। नैनीताल में आस्था का प्रतीक माँ नंदा देवी के महोत्सव की तैयारियों को लेकर 12 उप समितियों का गठन किया गया। सितंबर में आयोजित होने वाले नंदा देवी महोत्सव को लेकर बीते दिनों जिला प्रशासन ने आयोजक संस्था श्रीराम सेवक सभा के पदाधिकारियों संग बैठक कर चर्चा की थी। तय हुआ था कि फिलहाल सादगी के साथ महोत्सव मनाने जैसी तैयारियां रखी जाएं। डोला भ्रमण और अन्य बिंदुओं पर 1 सितंबर को बैठक का निर्णय लिया जाएगा। इधर श्रीराम सेवक सभा अध्यक्ष मनोज शाह की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें 12 उप समितियां बनाकर इसके सदस्यों को जिम्मेदारियां बांटी गई। बैठक में जगदीश भवाड़ी तमाम लोग मौजूद रहे।
वहीं ऋषिकेश हरिद्वार नेशनल हाईवे पर रोडवेज की एक बस अचानक डिवाइडर पर चढ़ गई। इस हादसे में वैसे तो किसी को चोट नहीं आई, लेकिन बड़ा हादसा होने से जरूर टल गया। उत्तर प्रदेश रोडवेज की यह बस मुजफ्फरनगर डिपो के अंतर्गत संचालित होती है। बस दिल्ली से लौट रही थी, अचानक बस तिलक मार्ग पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के पास डिवाइडर पर चढ़ गई। बस का बाहरी हिस्सा डिवाइडर पर चढ़ने के कारण फट गया। गनीमत यह रही कि बस में कम सवारियां थीं और डिवाइडर पर चढ़ने के बाद बस वहीं पर रुक गई। उस वक्त सड़क पर ना ही कोई ट्रैफिक था और ना ही ज्यादा लोग मौजूद थे। जी 3:30-4 बजे सुबह का टाइम था, हम मंडी जाने का समय था हमारा, सब्जी का काम है और कार के बचाने के चक्कर में एक्सीडेंट हो गया इसका। तो क्या इसमें किसी को चोट चाट भी लगी? नहीं, शुक्र है किसी को चोट नहीं लगी, सब बच गए। कार वाला के रॉन्ग साइड आ रहा था? रॉन्ग साइड आ रहा था, बहुत स्पीड में था कार वाला। तो वहीं सितारगंज में कांग्रेसियों ने भारत रत्न और भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जन्मदिन मनाया। इस दौरान उन्होंने नगर निगम में उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। महानगर कांग्रेस की ओर से भी कांग्रेस भवन में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान नगर अध्यक्ष हरपाल सिंह के कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके बताए मार्ग पर चलने का साथ ही संकल्प भी लिया गया। प्रधानमंत्री और यशस्वी प्रधानमंत्री जिनको मैं कहना चाहूंगा, माननीय राजीव गांधी जी की 77वीं जयंती है, जिसको सितारगंज नगर कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, सभी पदाधिकारियों ने राजीव गांधी जी के चित्र पर फूल पुष्प अर्पित कर मनाया। राजीव गांधी जी का जन्म सन 1940 में मुंबई में हुआ था। माँ देश की प्रधानमंत्री है, दमदार प्रधानमंत्री है, माननीय इंदिरा गांधी जी के सुपुत्र। इंदिरा गांधी जी के देश को छोड़ने के बाद, दुनिया को छोड़ने के 8 महीने बाद ही राजीव गांधी जी के कंधों पे जो भार आया, उन्होंने बखूबी देश की जनता को भरोसा करते हुए देश के विकास को आगे ले जाते हुए जताया। अगली खबर उत्तरकाशी से है। कोरोना के बाद आखिरकार उत्तराखंड में भारत तिब्बत के बीच व्यापारिक रिश्तों की गवाह है। ऐतिहासिक गरतांग गली पर्यटकों के लिए खुल गई है। उत्तरकाशी के डीएम मयूर दीक्षित ने गंगोत्री नेशनल पार्क के उपनिदेशक व जिला पर्यटन विभाग विकास के अधिकारी को गरतांग गली को पर्यटकों के लिए खोलने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यहां आने वाले पर्यटकों से कोविड एसओपी का अनुपालन कराने और भैरव घाटी के पास चेक पोस्ट बनाकर क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों और पंजीकरण करने के निर्देश दिए हैं। सीमांत जनपद उत्तरकाशी के भैरव घाटी के समीप गरतांग गली में खड़ी चट्टानों को काटकर लकड़ी से निर्मित सीढ़ीदार ट्रैक बनाया गया है। प्राचीन समय में सीमांत क्षेत्र में रहने वाले जादूंग नेलांग को हर्षिल क्षेत्र से पैदल मार्ग के माध्यम से जोड़ा गया था। मार्ग से स्थानीय लोग तिब्बत से भी व्यापार करते थे। सेना भी सीमा की निगरानी के लिए इस मार्ग का उपयोग करती थी। बाद में चलन से बाहर होने पर ट्रैक क्षतिग्रस्त हो गया। नैनीताल में दूरस्थ ग्राम खमारी में पशु चिकित्सालय की ओर से एक किसान जागरूकता कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य दुर्गम स्थानों में रह रहे किसानों को दुग्ध व्यवसाय में आगे बढ़ाना है। पशु चिकित्सा अधिकारी नैनीताल हेमा राठौर द्वारा किसानों को पशु प्रबंधन की जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि किसान दुग्ध व्यवसाय द्वारा अपना रोजगार कर अपनी आमदनी को बढ़ाने व पशु बीमा की भी विस्तार से जानकारी दी गई, ताकि पशु की अकस्मात हानि होने से किसानों को नया पशु दिन में सुविधा हो सके। गोपेश्वर से अगली खबर है, जहां जिला एनएसयूआई ने जिला मुख्यालय गोपेश्वर में पूर्व प्रधानमंत्री सह भारत रत्न राजीव गांधी जयंती धूमधाम से मनाई। इस दौरान उपस्थित एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद जिला एनएसयूआई के अध्यक्ष संदीपन नेगी की अगुवाई में जिला अस्पताल गोपेश्वर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 23 युवाओं ने रक्तदान किया। इस मौके पर राजीव गांधी जिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह बिष्ट, जिला अध्यक्ष कांग्रेस वीरेंद्र सिंह, जिला प्रवक्ता विकास जुगरान, सुधीर बिष्ट, विपिन परसवड़,
सुमित, संदीप, शिवांश, आशुतोष सिंह आदि लोग मौजूद रहे। तो फिलहाल के लिए उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।